हेलो दोस्तों, ओपन एआई ने चैट जीपीटी के बाद आज एक नया धमाका किया है। उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसका नाम है सोरा। और जो ये प्रोजेक्ट है ओपन एआई का सोरा, इसमें बेसिकली ये एक इनका प्लेटफॉर्म है जो कि टेक्स्ट से वीडियो के प्लेटफॉर्म के तरीके से काम करेगा। यूजिंग एआई, जनरेटिव एआई यूज करके आपके किसी भी टेक्स्ट से एक वीडियो जनरेट कर सकता है। ना सिर्फ टेक्स्ट से वीडियो जनरेट कर सकता है, बल्कि एक इमेज से वीडियो जनरेट कर सकता है, एक टेक्स्ट से इमेज बना सकता है। साथ ही साथ अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग वीडियो है उसको भी एनहेंस कर सकता है मिसिंग फ्रेम की डिटेल के साथ। अब ये सोरा जो है ये एक जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है। इससे पहले भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है जो कि टेक्स्ट से वीडियो बनाएंगे। इनफैक्ट फेसबुक की तरफ से, गूगल की तरफ से काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो टेक्स्ट टू वीडियो प्लेटफॉर्म अनाउंस कर चुकी हैं। लेकिन किसकी क्वालिटी किस लेवल पर आती है और कौन सा पब्लिक एपीआई किसका अवेलेबल है, ये एक अभी डिफाइन करेगा आगे जाके कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा फेमस होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोरा की, जो कि है ओपन एआई का प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है भवि और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई कमेंट है या कोई फीडबैक है इस वीडियो को लेकर के, वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का जवाब मैं जरूर दूंगा। तो जैसा मैंने बताया कि ओपन एआई की तरफ से सोरा को आज अनाउंस किया गया है। सैम ऑल्टमैन ने अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने एक्स हैंडल पर इसकी अनाउंसमेंट की है और अनाउंसमेंट के साथ ही ये एक तरीके से ट्रेंडिंग हो गया है। अभी जो इसका एक्सेस है वो बहुत ही लिमिटेड यूजर्स को होगा, कुछ फेमस फिल्म मेकर्स को, आर्टिस्ट को होगा। जनरल पब्लिक के लिए जिस तरीके से चैट जीपीटी आपके लिए अवेलेबल है, उसकी ऐप अवेलेबल है, सोरा का भी पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। हालांकि उन्होंने कुछ सैंपल्स जो है वो सोरा की वेबसाइट पर, जिसका की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वैसे openai.com/sora उसका लिंक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर जो सैंपल्स उन्होंने वेबसाइट पर ओपन एआई ने लिस्ट किए हैं, ये आप वीडियो के अगले हिस्से में भी देख भी सकते हैं। कुछ सैंपल्स का मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। ये इस तरीके के अगर सैंपल्स हैं, ऑफकोर्स जो सैंपल वीडियोज होते हैं उनमें बेस्ट वीडियोज ही यहाँ पर उन्होंने वेबसाइट पर शोकेस किए होंगे, बट इवन इसका अगर 10% भी रियल लाइफ में वो लोग कन्वर्ट कर पाते हैं पब्लिक एपीआई के थ्रू एक जनरल यूजेस के लिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। वैसे तो बहुत सारे वीडियो इन्होंने अपने वेबसाइट पर डाले हैं, बट एग्जांपल के लिए मैं कुछ एक वीडियोस को स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहता हूँ जिनमें बहुत ही डिटेलिंग है। फॉर एग्जांपल ये वीडियो जहाँ पर के टेक्स्ट है रिफ्लेक्शंस इन द विंडो ऑफ अ ट्रेन ट्रेवलिंग थ्रू द टोक्यो सबर्ब्स, आप देखिए कितना डिटेल वीडियो है और किस तरीके से टोक्यो का इमेजिनेशन है उसको एक तरीके से एनविजन किया गया है और एक ग्लास के अंदर रिफ्लेक्शन तक को आप जनरेट कर पा रहे हैं यूजिंग जस्ट द टेक्स्ट। तो अपने आप में एक बहुत ही डराने वाली चीज भी है, साथ ही साथ बहुत एक्साइटिंग चीज भी है कि किस तरीके से जनरेटिव एआई का आगे चल के यूज होगा। इसी तरीके से इस नेक्स्ट फुटेज में जो कि ओपन एआई सोरा के पेज पर है, जहां पर उन्होंने ड्रोन फुटेज के लिए प्रॉम्प्ट देकर के, प्रॉम्प्ट को मैंने आपके स्क्रीन पर दिखा दिया है प्रॉम्प्ट, ताकि आपको पता चले क्या प्रॉम्प्ट दिया है। अब आ जाती है अगली बात कि क्या ये जो सोरा है ये पब्लिक के लिए कब अवेलेबल होगा, ये पे वॉल के पीछे होगा यानी इसके लिए आपको पे करना होगा, या ये जनरल पब्लिक के लिए फ्री अवेलेबल होगा। क्योंकि टेक्स्ट टू एआई के लिए जनरेशन के लिए बहुत हैवी रिसोर्सेज यूज होते हैं, तो ऐसे में बहुत कम उम्मीद है कि ये फ्री पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा। हाँ, एक जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ डेफिनेटली आने वाले टाइम में अवेलेबल होगा। और जो सैम ऑल्टमैन की हिस्ट्री रही है, जो ओपन एआई की हिस्ट्री रही है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि ये पब्लिक के लिए अवेलेबल हो। और एक बार आने के बाद जो चैट जीपीटी का, जैसे मैंने बताया ओपन एआई का हिस्ट्री रहा, जिस तरीके से चैट जीपीटी अपने आप में बहुत एकदम से फेमस हुआ और बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में उसके बारे में बात हुई, सोरा भी उसी लेवल का प्रोजेक्ट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि चैट जीपीटी की तरह सोरा भी पूरी डोमिनेंस दिखाएगा जनरेटिव एआई के केस में। बहुत सारी कंपनीज जो लगता है कि अब कैचअप कर लेंगी ओपन एआई के साथ, और इतने में ओपन एआई अपनी तरफ से एक ऐसा प्रोजेक्ट अनाउंस करता है जो बाकी सबको डिकेड्स पीछे आई गई माइल्स पीछे दिखाता है। आज ही गूगल ने जेमिनी 1.5 की अनाउंसमेंट की थी और उसके तुरंत बाद सैम ऑल्टमैन की तरफ से सोरा की अनाउंसमेंट हुई है। अब देखना होगा एआई वॉर्स कहां तक जाते हैं। तो सोरा को लेकर अभी तक यही इन्फॉर्मेशन थी। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आपके साथ जरूर अपने चैनल पर शेयर करूंगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जैसे मैंने कहा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।